उतारो भाई नमस्ते दादी हूँ नंगड़ता है। हाँ नंगड़ता है तो मतलब उस और भी क्या नाम के दिए फिर वे मैंने आपसे एक सवाल भी किया था कि जिसके साथ में व्यापारी हुआ है जिसके साथ में लोग होते हैं शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं तो अलग ही माहौल बन रहा सर जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग आगे आ रहा साथ तेरा बस साथ पूरा देंगे भाई साहब का जहाँ पे भी जा रहे हैं तो रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है। नमस्कार जी आपको आरदी से आरदी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की भी और आपकी बीड़ की भी और आपके भाईचारे की भी। एज इट भाई साहब न्यू का न्यू मतलब सेम टू यू। वैसे मैंने आपसे सवाल किया था इसी धर्मशाला में खड़े हो गए कि बोलना बड़ा आसान है करना बड़ा मुश्किल है लेकिन वास्तव में आपने दिखाया कि इंसान बोलता है वो करता भी है। तो जो जिस प्रकार से आज हमने भाईचारा को इकट्ठा किया सर्व जाति समाज के सम्मेलन को प्रोग्राम को दिखाया कि हाँ सर्व जाति समाज ही है क्या मानते हैं इस बारे क्या मायने। देखो भाई साहब बहुत ज्यादा प्रेम मिला मैंने सारे भाइयों का और इतना समय मतलब कम समय में जो हमारी युवा की टीम थी उसने तकरीबन फोन ना पे सिस्टम इकट्ठा कराया और बहुत ज्यादा तो ज्यादा संख्या में जितने भाई पहुंचे उनका धन्यवाद भी करता हूँ मैं आपके माध्यम से। नेता तो मैंने पहला ऐसा मिला है जिसमें गांव में भी पकड़ भी मजबूत है और शहर के अंदर भी पकड़ मजबूत है क्योंकि मैंने बात की जित वाले जोड़ के लोग आए हुए चाहे आपकी भिवानी के छोर के डबर कलोनी के लोग भी आए हुए और बात करूँ नांगल की बात करूँ माने डुगाम की बात करूँ ढाडू गांव की तो वहाँ से भी लोग आए हुए तो कमाने को तो ये होता है नेता के लिए बाकी क्या नेता कमा पाता है। नहीं पूरा जीवन में नेता नहीं भाई साहब हर आदमी एक भाईचारा ही कमावा हर भाईचारा ही कमाना चाहिए आदमी और भाई भगवान की इसी कृपा माता रानी का आशीर्वाद है भाईचारा जबरदस्त मेरे साथ। लेकिन राजू अब ये जो लोग आए हैं इन्होंने क्या संदेश दिया आपको और क्या संकेत दिया क्या आशीर्वाद देने का काम किया क्योंकि इस प्रकार से आप प्रत्येक आदमी के टच में थे और प्रत्येक आदमी आपसे मिल के जा रहा था यानी आप स्टेज पे कम थे नीचे जा रहे मिलने वालों से ज्यादा टच में थे। देखो स्टेज पे तो नेता लोग चढ़ते हैं हमने तो भाई के बीच में रहना है जब ये अगर सेवा का मौका देंगे तो भी इनके बीच में रहना स्टेज पे फिर भी चढ़ना क्योंकि इनके बीच का दुख और दर्द जो गमा का है और शहर का वो हम समझे हैं क्योंकि हम उस समय के गुजर चुके हैं और हमारे पे बीती है सारी बात भाई साहब तो जिस पे बीतते ना वो ही समझे है और को नहीं समझ मामे बात। जिस प्रकार से आपकी तैयारी तो थी विधानसभा जाने की समाज सेवा करने की जिस प्रकार से लोगों के अंदर भी बातें हैं कि हाँ बढ़िया काम हो गया हाँ बढ़िया काम होगा बढ़िया काम किस तरह के हो गया राजू तो बढ़िया काम हो गया या राजू एक कदम आगे बढ़ाने बढ़िया काम हो गया। देखो इन लोगों ने तो एक कंधे की जरूरत थी और जो पिछले हैं उन तो लोग छक लिए उनके देख देख कि आपने पता है भाई जी किस तरह का कार्य चल रहा है बीमारी में ना तो कोई विकास हो रहा ना कोई नौकरी ना कोई प्रगति किसी भी क्षेत्र में बेवाणी मतलब हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है इसलिए एक नई शुरुआत युवा करेगा और सारे युवा साथ हैं 36 के 36 बिरादरी के युवा आए हैं यहाँ और सारे गामा के सरपंच सारे गामा के आदमी और हर कॉलोनी हर वार्ड से आदमी बेवाणी का आपने देखा और आपने मिला। सवाल किया था कि कभी ये तो नहीं होगा जिस प्रकार से आम आते 100 रुपये उतारो भाई नमस्ते दादी हूँ नंगड़ता है। हाँ नंगड़ता है तो मतलब उस और भी क्या नाम के दिए फिर वे संक्रांत का नाम दे दिया है दे भाई तो यह आशीर्वाद आज खा लेगा उसके नाम का अरे फट्टू सर से अगर धन कमाया जा है धन वो चाहे रुपए धन में भी उसका है चाहे वो बेटा का रूप भी उसका है चाहे वो परिवार के किसी रूप भी उसका है तो आज कितना बेटा ने धन कमाया आज लोगों की उम्र के नाम कमावड़े
गवा रही थी। हम इसको प्रार्थना के सब भगवान हमारी बात थी। जिस प्रकार से आपने समाज के बुद्धिजीवी को, जिस प्रकार से समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को यहाँ पे इकट्ठा करने का काम किया, मैंने बाबू सवाल किया था कभी ये तुमने कि राजू किसी के 8 करोड़ बन जाएगा, तो राजू जिस प्रकार से तैयारियां करेगा, जिस प्रकार से लोग आपके विश्वास जता रहे, तो राजू क्या प्लान क्या रहेगा, राजू किस प्रकार से तैयारी करेगा, राजू किस प्रकार से चलेगा आप राजनीति के अंदर, क्योंकि राजू ने तो कदम टेक दिया, लोग टेकने दे रहे, लोगों के अंदर से भावना बने की राजू एमएलए चुनाव लड़ा है, तुम्हारा भला हो सकता है। देखो लोगों की भावना ऐसी है वैसे भाई साहब, तो ज्यादा तैयारियां की ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं रहेगी। जब मैं सरपंच बनया तो एक बार प्रेस में ऐसे इकट्ठे हुए थे, तो मैंने कहा भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, सारा गांव आशीर्वाद दे, तो मेरे गांव में सारे ने आशीर्वाद दिया, 2 टोले बच गए। तो मैं वो वोट मांगने जाने लगे, तो मैं मारा लाती जी ने समर्थन दे रखा, तो उन्होंने बोलिया भाई आप भी चल रहे हैं वोट मांगे, बोले मांगेगा किस पे, बोले हमने तो सारे ने तेरा समर्थन कर दिया, अरे ये तेरे ती देवक होने हैं, बोले मांगा किसका बना, आराम तो जागी सो बने बैठा बोले। तो वह बात है, देखो अगर जितने गामा ने भाई अपने जो गामा प्रतिनिधि आए और उनने पगड़ी पहना के नहीं है कि अब सारा गाम तेरे साथ है, तो फिर मांगण किसके जाना भाई साहब, राजू का आगाज शुरू हो चुका। देखो आप बताओ ये बात, तो ठीक है बताओगा ऐसा भाई साहब, जो जनमानस ने इनको प्यार और स्नेह दिया है, साथ दिया है, उससे एक नई शुरुआत तो, एक नई पारी की शुरुआत तो होगी। देखो समाज से भी भाई गए, ये जो परशुराम जन्मोत्सव था उसमें भाई ने बढ़ चढ़ के बहुत अच्छा कार्य किया था, समाज को समर्पित करके किया था, ठीक है ना जी। और जो अब 36 बिरादरी भाईचारा मिलने का कार्यक्रम तो किया गया, वो सराहनीय है भाई साहब, ऐसे आयोजन होने चाहिए। भैया चीज दिखाने की है जी, इस तड़कती सर्दी के अंदर पसीना आना या तपस्या हो किसी आदमी का, तो मान सकते हैं कि इस तरह के युवा पसीना बहाना शुरू कर देंगे, चाहे वो राजनीति की बात है, चाहे वो सेवा की बात है, किसी काम की बात है, तो उसका एक सार्थक पल भी देखा जाएगा लोगों के रूम में, और सार्थक मुस्कान को देखा जाएगा। अगला भी जबरदस्त होगा, पसीना आ गया भाई, भैया की भीड़ देखी, भीड़ देखी आपने, सुबह से आए हो आप, कितनी भीड़ थी, संभालते स्टेज भी, अरे भैया ने समाज पसीना आया, एक बात तो है, इसके तो राम भी सुना है, तो तकड़ा काम था, लागे को दिन खुल जाएगा, कौन लगा था, अड़ बैठ दी कुर्सी पर, खुल गया भाई, खुल गया। नमस्ते, कहाँ से आए सर? मैंने आपसे एक सवाल भी किया था, जिसके साथ में व्यापारी हो, जिसके साथ में लोग होते हैं शहर के प्रतिष्ठित, तो अलग ही माहौल बन रहा सर, जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग आगे आ रहा था, साथ तेरा बस साथ पूरा देंगे भाई साहब का, जहाँ पे भी जा रहे हैं तो रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है अभी हर जगह से, मंडी में से भी मेरे 20-30 आदमी मेरे साथ आए हुए हैं, मंडी से भी और भी गाँव से भी मेरे साथ काफी जने आए हुए हैं, सारे मेरा ग्रुप ही है पूरा, सारे जितने भी खड़े हैं चलते हैं। राजू भाई का नाम में कितना राज है, तो व्यापारी जरूरी है, व्यापारी बिना बात बने को नहीं, बहने को नमस्ते, अमित गोयल भाई साहब है मंडी से, हम सभी फिर भाई के प्रोग्राम में पहुंचे, अमित गोयल हमारे भैया है ना, हम इकट्ठा है काम धाम भाई का गेले सारा सिस्टम, चलो जी अच्छी बात है, जिसके साथ व्यापारी बड़ा लग जाए वो आदमी पीछे मुड़ के देखेगा। नमस्कार, बताएं आज का प्रोग्राम किस प्रकार का था, राजनीतिक लगा या कितना भाईचारा दिखा, क्या भाईचारे को जोड़ने का प्रोग्राम है भाई का, सब 36 बिरादरियों को मिलाना चाहते हैं, एक साथ एकजुट रहेंगे, साथ खड़े हमारे, तो शहर का व्यापारी जुड़ जाए तो आप पे जुड़ जाए, वो आदमी तो हाँ बिल्कुल बात है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल लगे शहर का व्यापारी भी खेल ली है, हाँ खेल ली साथ, बिल्कुल आज सब समाज के आदमी, आप देखो राम राज में कोई कसर नहीं है, राम राज का संदेश राजू भाई ने बहुत अच्छी व्यवस्था, राम राज में कोई कमी नहीं, राम राज में कोई कमी होनी नहीं चाहिए, कोई कमी नहीं प्रोग्राम में, कोई कमी नहीं, ये अच्छी बात है इस प्रोग्राम के लिए, ये अच्छी बात है इस व्यवस्था के लिए, क्योंकि युवा भी थे, सिर्फ जाति भी थे, यानी सब चीज यहाँ पे देखी जा सकती है शहर की, तो अभी राजनीतिक आगाज का है या शुरुआत का है या कहीं ना कहीं यहाँ से बिल्कुल बच चुका राजीव राजू नांगल पूर्व सरपंच का एमएलए की दावेदार के लिए, जे एन सी न्यूज से अजय नायक और दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट, एक बंदा और मिल गया है, देख ले कैसे है।
व्यापारी जी क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम बढ़िया रहा जी, एक नंबर। अच्छी बात है।